और नीतिकालीन साहित्यकारों के द्वारा हिंदी का प्रचार और प्रसार हुआ। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय गौरव की बात है, आदमी को आते आते हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार को जब प्रेस खानों का विकास हुआ तो और अधिक प्रसार में सहायता मिली, जिसके कारण आज हिंदी का उदात्त स्वरूप आपके सामने है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था और देश की आजादी के बाद आते आते भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव नहीं मिला। हिंदी को राजभाषा का गौरव तो मिला, साथों साथ जो अंग्रेजी है उसको भी राजभाषा के गौरव से गौरवान्वित किया गया। समय समय पर मांग होती रही कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, क्योंकि भारत के लगभग 70% जनसंख्या हिंदी भाषी है। और यह बात हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो बाद में चलकर के प्रधानमंत्री बने, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री थे तो उस समय उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था और हिंदी के गौरव को बढ़ाया था। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी जैसे एक महान व्यक्तित्व को यहां पर बताना चाहता हूं, जिन्होंने विश्व हिंदू विश्व की जो सभा थी उसमें जब धर्म सम्मेलन चल रहा था तो हिंदी भाषा में अपनी बात को कह करके विश्व में तहलका मचा दिया था। निश्चित ही वह दिन 1893 का भारत के इतिहास में गौरव का दिन है। उन्होंने जता दिया था कि हिंदुस्तान के लोग कितने तपस्वी और महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके प्रश्नों का जवाब सुनकर के विश्व के विद्वान लोग अचंभित हो गए थे। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे जिनका दूसरा नाम था, उन्हीं में से एक थे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी। स्वामी दयानंद जी ने अपने परिभ्रमण में भारत में जहां भी गए हिंदी भाषा में ही अपनी बात रखी। महात्मा गांधी जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने अंग्रेजी भाषी बोलने के बावजूद भी सन 1918 के बाद कभी उन्होंने अपनी भाषा हिंदी के अलावा अंग्रेजी में कोई भी बयान नहीं दिया। कोई भी सभा हो उन्होंने हिंदी भाषा में व्यवहार किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने जब ब्रिटिश में गए, इंग्लैंड के अंदर वो गए, तो उन्होंने कह दिया कि मैं अंग्रेजी भूल गया। वहां के विद्वानों ने कहा कि बापू जी आप तो बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी भाषा जानते हैं, फिर आप हिंदी भाषा में क्यों बोलते हैं। उन्होंने कहा भाई मैं अंग्रेजी भाषा भूल चुका हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदी भाषा हमारी माँ है और हिंदी में ही आचरण और व्यवहार होना चाहिए। ये उन्होंने गर्व के साथ जो है वहां पर अपनी बात कही और निश्चित रूप से हमें गौरवान्वित किया। हिंदी के प्रचार और प्रसार में ऐसे ही महान अनेक व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को निश्चित रूप से एक नई दिशा और दशा दी है। उन्हीं में से एक व्यक्तित्व था जिसका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा उन्नति रहे, निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मियने मिटे नहीं है कसूल, मिटे नहीं है कसूल। निश्चित रूप से हिंदी और हिंदुस्तानी हम गौरवान्वित हैं। हिंदी हमारी भाषा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम सब हिंदुस्तानी हैं और मिलकर हम सब हिंदी भाषा का उत्थान करें, हिंदी भाषा का उत्थान करें, हिंदी भाषा का उत्थान करें। हम कहना चाहते हैं निश्चित रूप से मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी बताती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी बताती है। सुबह माँ के भजन हो या दादी माँ की लोरियां, सुबह माँ का भजन हो या दादी माँ की लोरियां, हमारे ख्वाब का बिस्तर
हमारे ख्वाब का बिस्तर सदा हिंदी दिखाती है, हमारे ख्वाब का बिस्तर सदा हिंदी दिखाती है। दिखावे में भला हम मॉम डैड कहते हो, दिखावे में भला हम मॉम डैड कहते हो, मगर जब चोट लगती है जुबा फिर माँ चिल्लाती है, मगर जब चोट लगती है तो जुबा माँ चिल्लाती है, मगर जब चोट लगती है जुबा फिर माँ चिल्लाती है। नकली पैर चलने का सहारा तो दे सकते हैं, नकली पैर चलने का सहारा तो दे सकते हैं, दौड़ने में रफ्तार असली पैरों से ही आती है, दौड़ने में रफ्तार असली पैरों से ही आती है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी बताती है। प्यारे बच्चों, जनता इंटर कॉलेज के प्रांगण में ऐतिहासिक दिन, हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक हमारी भाषा हिंदी निश्चित ही हमें गौरवान्वित करती है। हमें अपना सारा जीवन हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में समर्पित कर देना चाहिए, निश्चित रूप से हमारा जीवन समर्पित है। हम हिंदी भाषा में व्यवहार करते हैं, हिंदी भाषा में माँ पुकारते हैं, हिंदी भाषा में माँ लोरियां सुनाते हैं, हिंदी भाषा में ही गीत गाए जाते हैं। हिंदी भाषा हमारा गौरव है और हिंदी हमारे गौरव को बढ़ाती है। हम गर्व के साथ कहें हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तानी, जय हिंदी भाषा, जय हिंदी भाषा।